मेरा सवाल वैसे तो राम मंदिर को लेकर था, लेकिन एक सवाल यह कि जब आप सीएम बने यूपी के, तो मोदी से तुलना होने लगी थी आपकी, मीडिया में भी सब जगह है कि आप मोदी को रिप्लेस करेंगे, आगे के मोदी होंगे इस टेन्योर के बाद, कहीं ना कहीं एक सेंटर में आपकी भूमिका देखी जाने लगी। देख लीजिए, अशोक जी ने ऐसी गुगली फेंकी, आप देखते हैं योगी जी कैसे बैटिंग करते। देखिए, मोदी जी हमारे नेता हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और मुझे लगता है कि अपने नेता को फॉलो करना हमारा दायित्व है। नेता को फॉलो करना नहीं, पर योगी जी कहीं ना कहीं तो मन ही मन, बहुत भीतर मन में आपको भी लगता, क्योंकि अभी उम्र आपकी 45 साल है, 75 की वहां पे बीजेपी में एक लिमिट है कि 75 के बाद आपको राजनीति से आपको जाना है मार्गदर्शक मंडल में, तो हो सकता है कि 10 साल में मोदी जी अगर तभी पीएम है ना हो, उसके बाद सवाल खड़ा होगा कि मोदी जी के बाद कौन, और ऐसे में बीजेपी के काडर के भीतर, और ये मैंने खुद देखा है न केवल उत्तर प्रदेश में लेकिन बाकी जगहों में, आज की तारीख में अगर किसी नेता की सबसे ज्यादा लोकप्रियता है तो वह आपकी। देखिए, मैं नेता नहीं हूं, मैं एक योगी हूं, और एक योगी के रूप में मुझे उत्तर प्रदेश का दायित्व दिया गया है 22 करोड़ जनता की सेवा करना, उनके चेहरे पर खुशहाली लाना, उनको सुरक्षा प्रदान करना। अपने इस उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूं और उस अभियान को आगे बढ़ा रहा हूं। कभी नहीं सोचते कि मैं भी पीएम बन सकता हूं? मैंने तो मुख्यमंत्री बनने का भी नहीं सोचा। सोचा तो होगा, कुछ नहीं सोचा। ऐसे कैसे? देखिए, यही तो आकांक्षा नहीं रखते हम लोग, कोई आकांक्षा नहीं, ना कोई महत्वाकांक्षा है, एक ही लक्ष्य, काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्थिक नाशनम, बाकी कुछ नहीं।